अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका रेफोरी शाहिद मलिक एंड अभी मैं मौजूद हूँ बरकत मार्केट की स्ट्रीट फूड में, और स्पेशली जो बरकत मार्केट की बिरयानी और एक और चीज़ पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे जा रही है वो यहाँ की स्टेक्स हैं। मतलब स्टेक की पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो आई बटन ऊपर है, आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आज मैं स्टेक्स आपके साथ शेयर करूँगा, ये भी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस करवाई हैं, तो इनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रही थी। तो अभी मैं मौजूद हूँ पेरी पेरी पे, पेरी पेरी की जो स्टेक्स हैं और उनके साथ बर्गर हैं उनकी आजकल काफ़ी हाइप चल रही है, तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा उनके बर्गर्स को। उनके साथ होंगे इनकी दो बड़ी मज़ेदार किस्म की स्टेक्स, उनके सिनेमैटिक्स होंगे, रिव्यू होगा, सब कुछ होगा। इस टाइम जो हालत है ना लाइट की वजह से बहुत बुरी हुई हुई है, तो अभी सीधा चलते हैं उन सिनेमैटिक्स की जानिब, वो दिखाता हूँ और उसके बाद फिर अगर रिव्यू पॉसिबिलिटी हुई, लाइट ने साथ दिया तो इंशाल्लाह रिव्यू भी ज़रूर होगा। तो अभी चलते हैं और चल के मैं आपको सारे सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, तो अभी चलते हैं। अभी Thank you.
जी फ्रेंड्स, अब आ रही है भाई इसको एक्सप्लोर करने की। और यकीन मानो, ये देख रहे हो यार, इसका रिवॉर्ड सिर्फ मुझे ये दे दो कि सब्सक्राइब कर दो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी यहाँ के जो तकरीबन चार कोई बड़े मज़ेदार फेमस बर्गर हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पे जगह इतनी कोई कम है, एक बर्गर उधर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दो स्टेट्स हैं, दोनों मतलब बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, पिछले काफ़ी दिनों से ना मतलब मैं इनकी हाइप देख रहा था, तो भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने इसमें मतलब वीडियोज़ अच्छे करने के लिए सॉसेस को नहीं करवाया, क्योंकि जो स्टेक्स मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाई उसमें प्रॉपर वो सॉसेस हैं, और वो सारी गेम उन्हीं सॉसेस की है। तो मैंने इसलिए नहीं करवाई ताकि मैं आपको प्रॉपरली चिकन और बाकी सारी चीज़ें दिखा सकूँ। तो भाई अब बातें हो गई काफ़ी, अब बर्गर की तरफ आते हैं। जो पहला बर्गर मैं ट्राई करने लगा हूँ उसका नाम है स्मोक हाउस बर्गर, और ये डबल वाला है। डबल वाला है आई गेस 320 रुपये का। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी भी ट्राई करता हूँ फिर बताता हूँ। जो अगला बर्गर है ये यहाँ का क्या कहते हैं आप, पेरी पेरी बर्गर, मतलब यहाँ का जो ब्रांड नेम है उसी के ऊपर है, पेरी पेरी। शेयर करता हूँ, जो पेरी पेरी बर्गर है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि जो उसकी सॉस है मतलब सारी गेम वही सॉसेस की है। तो पेरी पेरी सॉस का प्रॉपर एक इसके अंदर जायका आ रहा है। उसके बाद हमारा डबल है, तो इसमें जो चिकन है उसके दो पीसीज हैं, बाकी है जो ये वही क्या कहते हैं सैलड है, सैलड के बाद सॉसेज हैं। तो पेरी पेरी वाला जो है ना हाईली रिकमेंडेड है। और उसके बाद जो स्मोक हाउस है, दोनों की मतलब सारी जितने भी बर्गर हैं ना उनकी जो मेकिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क है वो मैरिनेशन के अंदर। जो स्मोक हाउस है ना उसमें हल्का सा जो बारबेक्यू का एक स्मोक का फ्लेवर होता है ना वो आ रहा है। तो बर्गर ये भी मज़ेदार है। और उसके बाद अब मेरा जो तीसरा बर्गर है आई गेस वो है यार मैक्सिकन ग्रिल है, हाँ मैक्सिकन ग्रिल बर्गर है। अब उसको ट्राई करते हैं, देखेंगे वो कैसा है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अच्छा खासा स्पाइसी बर्गर है, अगर स्पाइस लवर हो तो इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये डिस्क्लेमर है बच्चों के लिए और जो स्पाइस लवर नहीं है, मतलब मैक्सिकन सॉस है वो मतलब जिस तरह हमको पता है कि स्पाइसी होती है, तो इसमें वो चीज़ है। अभी जो मेरा चौथा बर्गर है वो उधर पड़ा हुआ है, आप इधर ही रुके, मैं लेके आ रहा हूँ, इधर जाना नहीं है। चौथा बर्गर है क्योंकि जगह बहुत कम थी, और इसका नाम है आई गेस अमेरिकनो या अमेरिकन बर्गर, इसका नाम है। और ये भी 320 का डबल वाला है, सिंगल वाला 240 का। तो अब इसकी जगह तो है नहीं, ऐसे ही क्या ख्याल है। भाई ये भी आउट क्लास बर्गर है, गेम वही है सॉसेस की है, बाकी रेसिपी सेम है। तो बर्गर जो उनसे है ना, अगर जब आप आ रहे हो आप क्या कहते हैं स्मोक हाउस को भी ट्राई कर सकते हो, अगर इफ़ यू आर अ स्पाइस लवर तो मैक्सिकन बेस्ट है, और अमेरिकनो भी बहुत फिट बर्गर है। अब इनकी दो स्टेक्स हैं उनकी तरफ चलते हैं, बताते हैं वो कैसे। तो जी जनाब, अब बारी है जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप थी। अभी मेरे सामने आपको बड़ी रुखी रुखी लग रही होगी, मैंने ये इसीलिए साइड के ऊपर सॉसेस मंगवाई हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टेक ये वाली सिंपल है गेम सॉसेस की। तो अभी जो मेरे पास सॉसेज है लाइक इसमें मस्टर्ड है, बारबेक्यू है, मैक्सिकन है, उसके बाद मायोनीज है, मतलब पूरी सॉसेज है। तो सबसे पहले इसको डिप करते हैं मैक्सिकन में। और अब इसको करते हैं किसमें करना चाहिए बोलो,
अमेरिकनों में करते हैं और साथ बारबेक्यू का तड़का लगाते हैं। साथ फ्राइज तो मस्त है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली क्या कहते हैं कि सॉसेस के अंदर प्ले करके मतलब उन्होंने दिया हुआ है, गेम वही है जो बर्गर वाली सॉसेस थी ना, सेम वही सॉस है। मतलब इसमें कोई वो उस तरह से नहीं कि बड़ी कोई स्पेशल है, बर्गर वाली सॉस है सेम, लेकिन मिर्चें हैं क्योंकि मैंने मैक्सिकन ट्राई की है। जिस तरह मैंने पहले बताया था स्टेक का जो चिकन है प्रॉपरली मतलब सॉफ्ट है और फुल फ्रेश है, क्योंकि इसकी जो मैरिनेशन आई गेस मोरक्कन सॉस है उसके अंदर करते हैं फिर उसको लगाते हैं और अच्छी खासी मतलब क्वान्टिटी में इसको चिकन लगता है, उसके बाद फिर ये आता है। तो हमारी ये भी जो क्या कहते हैं स्टेक थी ये डबल वाली थी, एक हमारी थी बारबेक्यू स्टेक थी और एक थी मैक्सिकन, तो सॉसेस भी वही थी। तो मैंने सॉसेस को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया ताकि मैं आपको प्रॉपर विजुअल्स दिखा सकूं, और सॉसेस मेरी साथ थी। तो दोनों जो स्टेक्स हैं ना बहुत ज़बरदस्त हैं और इकनॉमिकल भी है। आई गेस 350 की डबल है और जो सिंगल है वो 250 की है। तो ओवरऑल जो फूड था ज़बरदस्त है। लोकेशन जो मतलब है बरकत मार्केट में केक्स एंड बेक्स के बिल्कुल साथ है। और यहाँ पे एक ये चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ मतलब ना बैठने वाला सीन नहीं है, आपको बाहर ही आना पड़ेगा या आप कार में भी मतलब अपनेगा, अगर आप फैमिली के साथ हो तो कार में इसको कर सकते हो। तो अभी भाई देख लो मेहनत फुल हो रही है, आपकी सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, तो वो आप कैसे होगी, सब्सक्राइब का बटन नीचे है बल्कि ये सामने आता है, ये आ रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप मेरी और मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की फूडी वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक वीडियो इधर आ रही है और एक इधर आ रही है, मतलब ये जो दो वीडियोस हैं आप इसके ऊपर प्रेस करें और इनको भी लाजमी देखें अगर आप फूडी हो। तो उसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है यार, एक सेकंड भी नहीं लगता, सिंपल आपने टक करना है, सब्सक्राइब हो जाना है, इतनी सी बात है। और लाइक भी करना है, लाइक मस्ट है, ताकि यार ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका रिवॉर्ड मुझे तभी मिलेगा जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो भाई को सपोर्ट करो और नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफिज़।